ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। भले ही मोटो फोन्स के स्पेसिफिकेशंस की बात करें ना करें, लेकिन कंपनी के ओएस की चर्चा हमेशा ही रहती है, क्योंकि मोटोरोला आपको शुरू से ही स्टॉक एंड्रॉयड, जिसे आप नियर टू स्टॉक भी कह सकते हैं, मुहैया करवाती आई है। और इस बार भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है और कंपनी लेके आई है प्योर स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन गूगल वन इंटीग्रेशन के साथ, और इसका नाम है मोटो वन पावर। एंड आई एम श्योर कि इस फ़ोन को देखकर इस बार आप ज़रूर कहेंगे कि इसमें वास्तव में पावर है। मोटो वन पावर के अगर हम लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली आप इसे प्रीमियम कैटेगरी का ही कहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मेटल बॉडी स्मार्टफोन है, इसकी कैमरा प्लेसमेंट वर्टिकल शेप की है और इसके फिंगरप्रिंट सेंसर पर मोटो का लोगो दिया है, जिस वजह से इसकी लुक्स काफ़ी एनहांस हो जाती है। साथ साथ अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की हम बात करें तो ये काफ़ी एक्यूरेट है, 10 में से 9 बार हमेशा रिस्पॉन्ड करता है और आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। हालांकि ओवरऑल लुक्स देखने पर आप कहेंगे कि शायद ये शाओमी या फिर एसुस की फैक्ट्री से निकल कर आया होगा, पर आपको बता दूं कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और ये एक स्प्लैश रेसिस्टेंट फ़ोन है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं इस फ़ोन में, जैसे कि बड़ी बैटरी होने की वजह से ये थोड़ा हैवी है और इसमें आपको नोटिफिकेशन LED लाइट नहीं मिलती। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इस फोन में आपको मिलेगा 6.2 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और डिस्प्ले, जो कि नॉच के साथ आता है, और इस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसका डिस्प्ले एकदम शार्प और वाइब्रेंट है और इसकी अच्छी ब्राइटनेस की वजह से आप इसे तेज धूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कंपनी ने इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड दिया है, जिस वजह से आप इसमें अपने म्यूजिक वीडियोज का अच्छा लुत्फ उठा पाएंगे। अब इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस पर नजर डाली जाए तो मोटो वन पावर में आपको मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट, और मेरे पास जो ये मॉडल है इसमें 4GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज दी गई है, और आप इसकी मेमोरी को डेडिकेटेड स्लॉट के जरिए एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि डेली रूटीन में ये फ़ोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, एकदम बटर स्मूथ चलता है। साथ साथ जो इसका स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट है, इसकी वजह से आप इसमें पबजी गेम भी खेल पाएंगे। हालांकि ग्राफिक्स को आपको बैलेंस मोड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद देख पाएंगे क्योंकि इसमें HD सपोर्ट अभी तक नहीं दिया गया। पर हाँ, आपको बता दूं कि इस फ़ोन की जो सबसे खास बात है वो है इसकी बैटरी। कंपनी ने इसमें 5000 mAh की बैटरी मुहैया कराई है, जो कि टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करती है, और इसके बॉक्स में आपको 15W का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। अब हालांकि हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में ये लगभग 16 घंटे तक सर्वाइव कर पाई, लेकिन जब मैंने डेली रूटीन में इसे यूज़ किया तो मुझे इससे पूरे 2 दिन का बैटरी बैकअप मिला। मोटोरोला ने इस फोन को एकदम सोच समझ के बनाया है, इसलिए इसका हर एक एस्पेक्ट एकदम परफेक्ट है, और इसमें आपको मिल जाएगा 16+5 MP का डुअल रेयर सेंसर और फ्रंट कैमरा में दिया है 12 MP का सेंसर। इस प्राइस रेंज में इसका कॉम्पिटिटर है शाओमी मी A2, और दोनों की पिक्चर क्वालिटी पर नजर डाला जाए तो देख सकते हैं कि मोटो वन पावर उससे काफी पीछे है, चाहे डे लाइट सिचुएशन हो, लो लाइट सिनारी हो या फिर डायनामिक रेंज टेस्ट हो। एक तो पिक्चर्स में डिटेलिंग की कमियां हैं, साथ ही साथ मोटो में ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि पोर्ट्रेट मोड दोनों का अच्छा है और दोनों ही एजेस को अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। फ्रंट कैमरा का भी कुछ यही हाल है, एक तो आप इस फोटो में देख ही सकते हैं मोटो से ली गई सेल्फी में शर्ट बर्न हो रही है, जबकि शाओमी लाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। साथ ही साथ इस लो लाइट पिक्चर में मोटो कम रोशनी कैप्चर कर रहा है और ग्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हालांकि दोनों में ही सेल्फी फ्लैश मिल जाता है, लेकिन वहां पर भी मुझे शाओमी ज़्यादा अच्छा लगा। पर एक बार फिर से फ्रंट पोर्ट्रेट में दोनों ही एक समान है। इसके अलावा दोनों में आपको EIS तो मिल जाता है, लेकिन हमें शाओमी की स्टेबलाइजेशन ज़्यादा पसंद आई। यही नहीं, आपको मोटो में गूगल लेंस और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि मोटो वन पावर में आपको एंड्रॉयड वन की इंटीग्रेशन मिल जाती है, तो आपको बता दूं कि इसमें दिया गया है एंड्रॉयड ओरियो, जिस पर कंपनी का कहना है कि आपको बहुत जल्द एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको मोटो के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि चॉप चॉप फ्लैश, ट्विस्ट टू ओपन द कैमरा और मोटो डिस्प्ले, जिसको आप नोटिफिकेशन LED लाइट के रिप्लेसमेंट के तौर पर ले सकते हैं। हालांकि हमारे इस यूनिट में फेस अनलॉक मोड नहीं है, लेकिन कंपनी शायद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उसे भी मुहैया करवा दे। एक्स्ट्रास की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा FM रेडियो, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, NFC, और हाँ, इसमें आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती और ना ही इसमें डायरेक्ट वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया गया है।
अब अंत में वर्डिक्ट देखा जाए तो मोटो वन पावर का कैमरा, इसका डिस्प्ले, इसकी बैटरी और इसका स्प्लैश असिस्टेंट फीचर इसे इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बनाते हैं। हालांकि यहां पर आप देखेंगे तो इसे कंपटीशन Xiaomi Mi A2 से मिलता है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ना तो Xiaomi Mi A2 में 3.5mm ऑडियो जैक दिया है, ना ही उसमें नॉच डिस्प्ले है और उसकी बैटरी भी इसके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। अब यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आप किस फोन का चयन करना चाहेंगे। मुझसे पूछेंगे तो मोटो वन पावर डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है और आप इसे खरीद सकते हैं। पर एनीवे, ये तो थी मेरी राय इस स्मार्टफोन को लेकर। आपकी क्या राय है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।